तो यहाँ से मेन एंट्रेंस है ये हॉल का, बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया था, और सेकंड फ्लोर पे भी शादी था और थर्ड फ्लोर पे भी शादी था। तो सानू और जन्मेश का यहाँ पे देखिए, मैं वीडियो शूट करी थी, इन दोनों का रैंप वॉक चालू है दोनों का, दोनों ने बहुत एंजॉय किया। और ये अंदर एंटर करने के बाद का व्यू है, बहुत ही सुंदर था। यहाँ पे हम लोग ने बहुत सारे सेल्फीज वगैरह निकाला मैंने जीविका ने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मॉर्निंग ऐसे ही स्टार्ट करना पड़ा रेडी होने के बाद, क्योंकि इसके पहले मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। सुबह हम लोग जल्दी जल्दी उठे, एक तो रात को लेट पहुँचे, सोए आते साथ जल्दी उठे, और 10:15 का हम लोग को एसी ट्रेन पकड़ना है। तो मैंने हेयर स्टाइल कर दिए, सुंदर सा जैसे पॉसिबल हुआ वैसे मेकअप कर दिया है, इयर रिंग्स सेट, बड़ा हार और मेरा बड़ा मंगलसूत्र पहना है, बैंगल सेट कर दिया, और सुशांत के एंगेजमेंट का ही साड़ी पहना है, लेकिन एक पदर लिया है, सब पूरा पल्लू नहीं लिया, एक पल्लू ही लिया है, और मेरा हील वाला सैंडल पहनूंगी। एंड सानू ने भी एंगेजमेंट वाला ड्रेस ही पहना है, सुशांत के मम्मी भी आई थिंक वही साड़ी पहनने वाली है, तो हम लोग तीनों वही हो गए। देखो सानू से हाय। और सानू को मैंने लाइनर लगाया, क्लोज आए, हाँ ओपन, और लाइनर लगाया थोड़ा थोड़ा थोड़ा, उसको प्रैक्टिस करा रही हूँ ताकि बंटी के सुशांत की शादी तक वो थोड़ा सेट हो जाए। सो वी ऑल आर सेट, अभी हम लोग बस 2-5 मिनट में यहाँ से निकलने वाले। आप व्लॉग पूरा देखना, एंजॉय करना, जितना पॉसिबल होगा उतना मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी, एंड लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। सो यहाँ पे रही चेतना, बहुत सुंदर लग रही थी रेड एंड ग्रीन कलर के नववारी में। मैं सानू जन्मेश जो स्टार्टर था ना चीज़ बॉल, गरम गरम उसको एंजॉय कर रहे थे, चीज़ बॉल था और उसके साथ वेलकम ड्रिंक था, नाश्ता भी था। और यहाँ पे जो दूल्हे का रसम करते हैं ना वो स्टार्ट था, तो क्षितिजा और रुपेश दोनों बैठे थे, और क्षितिजा ने भी मस्त सुंदर नवारी पहना था, मावशी ने भी नवारी पहना था। तो यहाँ पे तो ये रसम ऑन था, तब तक हम लोग स्टार्टर एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद जो मनाली ने पूरा रुखवात उसका डेकोरेट किया ना, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इतना सुंदर उसने अपना रुखवात बनाया, सब चीज़ वो एक एक चीज़ जाके लेकर आई। देखिए यहाँ से उसका पूरा रुखवात स्टार्ट होता है, हर एक चीज़ उसने अपने रुखवात में रखा था, पूरा ऐसा टेबल ना सजा हुआ था, लोग जा जाके देख रहे थे, इतना सुंदर लग रहा था। ये भी कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, कितने क्यूट से दिख रहे हैं ना, मैं इनको ही देख रही थी कितने देर खड़े रह के। और उसने जितना भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती ना सब चीज़ उसने रुखवात में रखा था, और रखा भी जाता है क्योंकि हर कोई आता है ना तो शादी में यही देखता है कि दुल्हन ने रुखवात में क्या क्या रखा है, वो ससुराल क्या क्या लेके जाने वाली है, उसके साथ साथ उसके रुखवात में ससुराल क्या जाएगा, तो सब लोग आके देखते हैं उस, मतलब वो एक अच्छा फीलिंग होता है कि चलो जाते थोड़ा रुखवात देखते हैं दुल्हन ने क्या क्या रखा है। तो मनाली, मतलब मावशी बता रही थी, मनाली सुबह उठती थी और वैसे ही फ्रेश होके नाश्ता वगैरह करके सीधा चली जाती थी, पूरा दिन जाता था, शाम को रिटर्न आती थी, एक एक चीज़ उसने जाके शॉपिंग करके बोलते ना ध्यान से सब चीज़ उसने किया है, एट्स ऑफ टू हर, ऑब्वियसली सब ने उसको मदद भी किया, और सबसे ज़्यादा इनपुट कॉन्ट्रीब्यूशन तो उसका ही था, हर चीज़ को लाना सजाना करना। तो आप लोग देख लीजिए उसने कितना सुंदर अपना रुखवात डेकोरेट किया है। तो यहाँ पे अंतर पार्ट चालू हो चुका है, पहले दूल्हे को खड़ा रखते हैं और उसके बाद दुल्हन को लाया जाता है। और जैसे मनाली की एंट्री हुई सबकी नज़र उस पर ही थी, इतनी सुंदर लग रही थी हमारी मनाली ना, वो येलो कलर के नवारी में देखिए उसकी एंट्री हो गई है, येलो कलर का उसका नवारी था, पिंक कलर का ब्लाउज़ का कॉम्बिनेशन था, हेयर मेकअप इतना 10/10, इतनी सुंदर प्यारी लग रही थी, उसका मेकअप हेयर एक्सेसरीज ज्वेलरी सब कुछ उसने इतना इनपुट ध्यान से सब कुछ किया ना उसका। थोड़ी नर्वस थी, ऑब्वियसली सब दुल्हन को होता ही है नर्वस इस टाइम पे, और उसका मेकअप हेयर भी बहुत अच्छे से हुआ। तो यहाँ पे अंतर पार्ट अभी चालू है,
कटोरी चाट ना, कटोरी चाट। यहाँ पे क्षितिजा और रूपेश कन्यादान का जो रस्म होता है उसको पूरा कर रहे थे। फोटोग्राफर सब एक एक पोजेस बता रहा था मंगलसूत्र पहनाने के पहले कि दोनों जन एक एक हाथ से पकड़ो और बीच में दोनों का फेस दिखना चाहिए, वैसा वो पूरा फोटोग्राफी किया था। बहुत सारा थीम रखा था मनाली ने, नॉर्मल फोटोग्राफी होता है वो, वीडियोग्राफर होता है वो रखा था, प्लस उसने कैंडिड फ़ोटो के लिए सेपरेट रखा था और प्लस नॉर्मल फ़ोटोज़ के लिए अलग से, ऐसे टोटल 4 फोटोग्राफर्स थे। तो चारों जन अलग अलग, कोई स्लो मोशन वीडियोस ले रहा था, कोई कैंडिड फ़ोटो ले रहा था, कोई वीडियोग्राफी कर रहा था, कोई नॉर्मल फ़ोटो ले रहा था। तो एक एक पोज देते देते उनका पूरा बोलते ना वो रिचुअल्स पूरे हो गए, लेकिन इतना सुंदर फोटोग्राफी किया है ना, मैं नीचे आपको जो फोटोग्राफर है ना उसका नंबर भी दे रही हूँ। इतना A1 क्वालिटी का उसका काम है ना, मतलब मैंने उसका हल्दी के टाइम पे भी देखा और शादी के टाइम पे भी देखा, बहुत अच्छे से उसने फोटोग्राफी किया है। सो इनकेस इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट हिम, आपको नीचे उसका कांटेक्ट नंबर दिख रहा है तो उसको प्लीज़ कांटेक्ट कीजिएगा। अगर आप लोग को आपके डे के लिए, स्पेशल डे के लिए अगर उसको हायर करना होगा तो, एंड हिज वर्क इज़ एक्सीलेंट। तो जब तक शशांक और मनाली चले गए अपने रिसेप्शन अटायर में रेडी होके आने के लिए, वो फोटोग्राफर फ्री था तो स्टेज पे सबको, जो जितने भी क्लोज रिलेटिव थे, फैमिली मेम्बर्स थे, उनको सबको कपल में, सिंगल, ऐसे बुला बुला के सब फोटो सेशन चालू था। तो मम्मी लोग ने सबने निकाल के लिया, फिर मैंने अपना सिंगल निकाला, सानू के साथ निकाला, निशु के साथ निकाला, चन्मेश के साथ, और फिर अमोल जीविका ने भी निकाला। तो ऐसे जितने भी क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स सब थे ना, एक एक करके सब लोग स्टेज पर आके अपना अपने फैमिली के साथ अपने अपने सेपरेट फोटोशूट्स कर रहे थे। और फाइनली ये रही हम लोग की मौसी। नवारी वाला अटायर में तो मैं शूट कर ही नहीं पाई, पॉसिबल ही नहीं हो पाया। ये उन्होंने चेंज करके रिसेप्शन का साड़ी पहना था और मौसी बहुत अच्छी दिख रही थी। और ये रही क्षितिजा, चेंज कर दिया नवारी में से, उसने रिसेप्शन वाला साड़ी पहना था, बहुत अच्छा लग रहा था। वो शेडेड वाला साड़ी बहुत अच्छी दिख रही थी, वो एकदम स्लिम है ना तो अच्छा लग रहा था। और ये देखिए सिस्टर, मैंने बोला जब तक वो रेडी होकर आते तब तक मैं आप दोनों का फ़ोटो शूट कर लेती हूँ। उन दोनों का किया, उसके बाद मैंने रूपेश और क्षितिजा को भी बोला यहाँ पर आओ थोड़े, मैं उनको पोजेस बता रही थी, ऐसे खड़े रहो वैसे खड़े रहो, उनके थोड़ा फ़ोटोज़ किया। यहाँ पे अमोल और जीविका स्टेज पे जाके उनका फैमिली फ़ोटो शूट कर रहे हैं।
स्वरा और चेतना भी अपना फोटोशूट करे। दोनों जन इतने सुंदर दिख रहे हैं ना, माँ बेटी। स्वरा भी इतनी प्यारी दिख रही थी और चेतना का भी साड़ी बहुत मस्त था, ब्लाउज का पैटर्न भी बहुत अच्छा था, साड़ी का कलर भी अच्छा था, सीक्वेंस वाला था ना, बहुत अच्छा लग रहा था।